हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे रवा लड्डू। इसे हम लेज़ी लड्डू भी कहते हैं। हमें चाहिए हाफ कप फ्रेश कोकोनट, हाफ कप ड्राई फ्रूट्स, 3 to 4 इलायची, आधा कप रवा या सेमोलिना, आधा कप चीनी, 1/4 कप गरम दूध, 1 टेबलस्पून घी। हम सबसे पहले शुगर और इलायची को पीस लेंगे मिक्सर में और ड्राई फ्रूट्स को चॉप करके रेडी कर देंगे। अब हमने पैन गरम कर लिया है। इस पैन में हमने हाफ कप रवा डाल दिया है। 1 मिनट के लिए इसे रोस्ट करेंगे और फिर हम इसमें 3/4 टेबलस्पून घी डालेंगे। अगर हमें लगता है कि घी कम है तो हम थोड़ा सा घी और डालेंगे और इसे रोस्ट करेंगे। हम थोड़ा थोड़ा रोस्ट होने के बाद इसमें हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। सारे ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। मैंने काजू, बादाम और किशमिश लिया हुआ है और इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक रोस्ट करना है। आप देखिए कलर चेंज हो गया है, गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हमने इसे एक परात में या मिक्सिंग बाउल में निकाल लिया है। हमारे पास जो ग्रेटेड कोकोनट था उसको हमने उसी पैन में हीट कर लिया है। इस समय आप इसमें आधी चम्मच से भी कम घी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। आप देखिए मैंने इसे गोल्डन ब्राउन होने तक रोस्ट किया है और अपने रवा वाले मिक्स में मिक्स कर दिया है। अभी जो पाउडर्ड शुगर थी और इलायची थी वो भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। ध्यान से, वो अभी भी मिक्सर गर्म है तो हाथ का इस्तेमाल ना करें। थोड़ी देर बाद आप इसमें हल्का सा दूध गर्म करके आधे मिक्स में या उससे भी कम मिक्स में मिक्स करें। धीरे धीरे करें, ज़्यादा दूध एक साथ ना डालिए। बहुत ज़्यादा गीला ना होना चाहिए, बस उसे एक लड्डू के शेप में फॉर्म होना चाहिए। अगर फॉर्म नहीं होता है तो आप थोड़ा सा दूध और डाल सकते हैं। करीब करीब इतने मिक्स में मेरे 12 लड्डू बनेंगे। बाकी आप छोटे बनाएं, बड़े बनाएं तो थोड़े ऊपर थोड़े 12 से ज़्यादा या 12 से कम बनेंगे। बस लड्डू रेडी है। देखिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।